भैया ये साइड में हो जाए कमेटी के आगे से। सनी एक बार फिर से रेड पर, सेकंड हाफ की पहली रेड चाड़ोल की तरफ से। सनी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है एक अंक निकालने के लिए। और रेफरी साहब की विशेष समय पूरा। गोलू बनवारी को एक बार फिर से। गौरव भाटी हेलो हेलो तीन और इनाम उन तीनों टीमों को ही दिया जाएगा, लेकिन तीन टीम इनाम लेंगी खेल करके। तो यहाँ पर जो कमेटी ने विचार विमर्श किया है दोस्तों, उसकी थोड़ी देर में आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी आप खेल को शुरू करें। आ गया फिर देखो आगे मोटी मत बैठो, तो तुम आ जाओ तो मोटी बैठो तो बुद्धवाद। अब ये बड़े बुड़े बाबू तो ना कर, तुम कह रहे हो ना कि एक और सूचना, जो कमेटी ने विचार विमर्श किया है कुछ को सुन लें। भैया कुछ विवाद है इस नंबर पर, चले इस विवाद को सुलझा लें। रेफरी साहब एक बार सुन लें, मेरे पास जो टीम उस मैच में जीतेगी वो ग्रैंड फिनाले खेलेगी कसूरों के साथ, और जो हारेगी वो इस टूर्नामेंट में तीसरी टीम होगी। ये कमेटी का लेखा जोखा है भैया। अमित दोनों टीमों के आपको स्कोर बता दो दोस्तों। में भैया साइड में हो जाए कमेटी के आगे से, साइड में हो जाओ थोड़े साइड में जाओ पीछे। ये भैया धर्म प्रकार जी है भैया, डिफेंडर बहुत तगड़े अपने जमाने के। अब तक पूरे मुकाबले का लेखा जोखा 16 अंक पर सनी जाड़ोल और 17 अंक पर सतेंद्र राणा, मात्र एक अंक का डिफरेंस। और इस बार भी
जो इस मैच को जीतेगी, इस मैच को जीतने वाली टीम चचूला के साथ खेलेगी और उस मैच में जो टीम जीतेगी वो फाइनल मैच खेलेगा अमित कसेरों के साथ और जो टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट की तीसरी विजेता होगी। झंडी उखाड़ तो ली थी पर झंडी स्पेशलिस्ट ने दोस्तों झंडी तो उखाड़ ली थी, मैं चोर तो नहीं है। और जो दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर का निजी स्कोर है 40 और गिल खेल रहे हैं 45। जब से दोस्तों गिल की जिंदगी में सारा तेंदुलकर आई है ना, उनका खेल ही बदल गया है। इसी के साथ स्कोर 8 सत्येंद्र राणा, 7 जाडोल। दोस्तों अगर कमेटी से कोई थोड़ी बहुत भूल हो जाती है तो आप उसको बड़ा इशू ना करें, क्योंकि इस टूर्नामेंट में दोस्तों कोई टीम नहीं। और अब से कुछ ही देर बाद खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले। दोस्तों खिलाड़ी क्या करें, गर्मी बहुत ज्यादा है। रेफरी के निर्णय का इंतजार, रेफरी के निर्णय का इंतजार। कुछ विशेष हुआ है यहाँ पर, गोलू आपस में बहस ना करें, गोलू आपस में बहस ना करें। दो दो रेफरी हैं यहाँ पर, कोई बात ना, कोई बात ना। खेल मात्र 2 अंक का डिफरेंस 18 और 20। जो टीम इस मैच को जीतेगी वो मैच खेलेगी चचूला के साथ, हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर। और एक बार फिर से रनिंग हैंड टच की कोशिश और खिलाड़ियों से भैया आंदोलन और रेड देने के तैयार गोलू बलवारीपुर। 21 अंक पर 20 अंक पर है चारल और 19 अंक पर है। ओहो, यहां तो एक नहीं दोनों हाथ से नंबर लिया गोलू ने, कॉमन पॉइंट। बिल्कुल गोलू यहां पर ध्यान दें भैया। सनी एक बार फिर से रेड पर, 19 अंक पर जाडोल, 20 अंक पर सत्येंद्र राणा। देखना होगा कि इस रेड में क्या। और ये एक अंक और ले गए और दोनों ही टीमों का स्कोर बिल्कुल बराबर और रेफरी साहब का इशारा। दोनों रेफरी गोलू बनवारीपुर एक बार फिर से रेड पर और ये बेहतरीन टेबल पॉइंट जाडोल की तरफ से। और इसी के साथ एक अंक की लीड जाडोल के पास और एक कबड्डी शेष। जानते हैं वो ये मुकाबला बिल्कुल उनकी मुट्ठी में है। गोलू अपनी ही जंप पर मारे गए यहां पर, जंप तो बहुत अच्छी लगाई थी। ओ बाहर का बोले भाई, ओ बाहर का को बोले, को बोले, बहुत ज्यादा। और इस मैच